तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित ठाकुर एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। आज की वीडियो होने वाली है सीयूईटी इंग्लिश 2024 वर्बल एबिलिटी के एक न्यू टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज एडजेक्टिव। इससे पहले मैंने नाउन करा दिया है, प्रोनाउन करा दिया है, सीयूईटी का सिलेबस बता दिया है, सारी चीजें मैंने करा दी है। लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, तो एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक सारी की सारी वीडियोस को जरूर देख ले। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों एडजेक्टिव क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज, जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो नाउन और प्रोनाउन के बाद इस टॉपिक को कराने का मेरा मकसद ये है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो एडजेक्टिव एक वर्ड है, मैं लिख देता हूं इसको साथ के साथ अपने नोटबुक में नोट करना। इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन, मतलब एक ऐसा शब्द जो एक नाउन को क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा गर्ल, ठीक, तो गर्ल क्या है, गर्ल एक कॉमन नाउन है। सी एन मतलब कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब एक ऐसा नाउन जो किसी के लिए भी यूज हो सकता है। प्रॉपर नाउन मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम, बट कॉमन नाउन किसी के लिए भी यूज हो सकता है। गर्ल किसी भी लड़की को मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इस गर्ल के आगे एक वर्ड लगा दूं एंड दैट इज ब्यूटिफुल गर्ल, मतलब ये लड़की सुंदर है। अब भाई ये जो गर्ल है ये ब्यूटिफुल है, मतलब ब्यूटिफुल इसकी क्या है, क्वालिटी है। तो ब्यूटिफुल वर्ड क्या कर रहा है, इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन, एडजेक्टिव एक वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन, मतलब एक ऐसा शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये हो गई बच्चों एडजेक्टिव की डेफिनेशन। तो सबसे पहली चीज जो मैंने अभी आपको आज की क्लास के अंदर बताई, दैट इज एन एडजेक्टिव, वॉट इज एन एडजेक्टिव। तो इसका आंसर है A word which qualifies या describes a noun, एक वर्ड जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो एडजेक्टिव होगा। अब देखो एडजेक्टिव की हमारी दोस्तों टाइप्स होती हैं, ठीक है, हमारी एडजेक्टिव की टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स में दो तरीके के एडजेक्टिव हैं जो आ जाते हैं, एक है एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसे नोट कर लेना। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बच्चों वो होता है जो नाउन से पहले आता है, एज एन एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा शी इज अ रिच वुमेन, शी इज अ रिच वुमेन। अब यहाँ पे नाउन हमारा है वुमेन और उसको एट्रीब्यूटिव तरीके से जो डिस्क्राइब कर रहा है वो है रिच, तो ये हमारा एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ए मतलब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेकिन उसी जगह मैं अगर लिखता हूं एग्जाम्पल के लिए प्रेडिकेटिव में शी इज रिच, तो शी इज रिच, तो यहां पे रिच जो है वो एक एडजेक्टिव है जिसके साथ कोई भी नाउन नहीं आ रहा, और ये डिस्क्राइब कर रहा है बेसिकली शी को जो कि एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन भी तो नाउन के प्लेस पे यूज होता है। तो एक तरीके से जैसे एडजेक्टिव का फंक्शन नाउन को डिस्क्राइब करना होता है, वैसे प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना भी होता है। समझ में आ गई बात। अब शी इज रिच में रिच के साथ कोई नाउन नहीं आ रहा ना, तो ये हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है बच्चों। कौन सा एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव, क्योंकि प्रेडिकेटिव में क्या होता है एडजेक्टिव अकेला आता है और एट्रीब्यूटिव में एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है। तो ये दोनों के दोनों टाइप्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम डिग्रीज की, इसके अलावा हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो हमारी तीन डिग्रीज होती है बच्चों एडजेक्टिव की, ठीक है। तीन डिग्रीज कौन सी होती हैं, सबसे पहली डिग्री होती है दोस्तों पॉजिटिव डिग्री, सबसे पहली डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री। दूसरी डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी डिग्री बच्चों होती है सुपरलेटिव डिग्री। ये तीन तरीके की डिग्रीज होती हैं, और तीनों की तीनों डिग्रीज को बनाने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ब्यूटीफुल वर्ड की बात करता हूं तो ब्यूटीफुल वर्ड एक पॉजिटिव डिग्री है। अब ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए हम मोर आगे लगा देते हैं, तो ये बन जाता है मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम मोस्ट लगा देते हैं, तो ये बन जाता है द मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन हर एडजेक्टिव को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए मोर या मोस्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे अभी मैंने यहाँ रिच लिखा था, तो रिच एक पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन रिच को अगर मैं कंपैरेटिव में चेंज करूंगा तो मैं रिच के साथ ये ईआर लगा दूंगा लास्ट में, तो ये रिच का बन जाएगा रिचर। और ऐसे ही सुपरलेटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ईएसटी लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा richest। तो मैंने क्या करा, सुपरलेटिव के लिए ईएसटी लगा दिया। तो ज्यादातर केसेस में जो नॉर्मल एडजेक्टिव्स होते हैं वहां कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव की हम ईआर का इस्तेमाल करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ईएसटी का इस्तेमाल करते हैं।
देखो कंपैरेटिव डिग्री तब यूज होती है जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि वह तुमसे ज्यादा अमीर है, तो मैं ही इज रिच देन यू नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा ही इज रिचर देन यू, है ना. और अगर मुझे बोलना है कि वह सबसे ज्यादा अमीर है, तो मैं बोलूंगा ही इज द रिचेस्ट. तो सुपरलेटिव डिग्री की एक खास बात ये होती है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा ये जो द है इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो कहीं पे भी अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आ रही है और वहां पहले द का यूज नहीं हो रखा, तो पहली गलती यही है. ऐसे ही कंपैरेटिव डिग्री की जब बात करेंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा आगे की तरफ क्या आता है, देन आता है. देन क्यों आता है, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो देन लगेगा ही, जैसे ही इज रिचर देन यू, और वहां पे देन जो आता है वो THAN वाला देन आता है. तो आई होप आप लोगों को इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को बताया. और साथ के साथ बच्चों नोट करो, नोट्स प्रिपेयर करो. नोट्स प्रिपेयर करोगे तो जब एग्जाम का टाइम आएगा, 2-3 दिन बचेंगे, तो उससे पहले आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके पास सारे के सारे नोट्स एक जगह पे रहेंगे, एक बार में सब कुछ रिव्यू किया जा सकता है. और जैसा कि मैंने बताया है, 27 तारीख से लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, जहां पे प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों की क्वेश्चन की. तो उसको भी ज्वाइन जरूर करना है. अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बता दो क्लासेस के बारे में, ताकि वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे क्लास ले सके और अपने पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर सके, और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है. तो मैं अगली बात, तो मैंने एडजेक्टिव बता दिया, एडजेक्टिव के अलावा मैंने उसके टाइप्स बता दिए, प्रेडिकेटिव, एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव बता दिया, मैंने उसके डिग्रीज के बारे में आप लोगों को बता दिया. ठीक है, अब काइंड्स के बारे में बात कर लेते हैं, और टाइप्स के अलावा हम काइंड्स की भी बात कर लेते हैं. बच्चों अलग अलग तरीके के एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है. जैसे सबसे पहले नंबर पे मैंने लिखा प्रॉपर एडजेक्टिव. देखो बच्चों एक एडजेक्टिव जो होता है ना, वो कहीं और से नहीं बनता, वो नाउन से ही बनता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रॉपर नाउन बताया था. प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का या किसी स्पेसिफिक प्लेस का नाम होता है. जैसे ताजमहल एक स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट का नाम है, दिल्ली एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है, राम एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है. ऐसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव भी एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो प्रॉपर नाउन से बनता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया. इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है ना, और इंडिया से मैंने बना दिया इंडियन. तो इंडियन क्या है, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है. समझ में आई बात. ऐसे ही मैंने एक और कंट्री का नाम लिखा अमेरिका, है ना. अमेरिका मतलब एक देश, और अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति अमेरिकन. अमेरिकन क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है. समझ में आ गई बात. इसी तरीके से मैंने कंट्री का नाम लिखा दैट इज चाइना, है ना. और चाइना से हमारा क्या बन गया, मन में सोचो चाइनीज, है ना. अब आप कहोगे सर ये एडजेक्टिव कैसे है, चाइनीज तो एक व्यक्ति होता है, अमेरिकन एक व्यक्ति होता है. बच्चों एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंडियन पीपल, तो पीपल एक नाउन है, उससे पहले जो लग रहा है इंडियन एडजेक्टिव है. ऐसे ही मैंने बोला अमेरिकन गुड्स, अमेरिका का सामान, उसकी बात की जा रही है, गुड्स मतलब सामान होता है. ऐसे ही मैंने बोला चाइनीज गैजेट्स, तो गैजेट्स एक नाउन है और उसके साथ में चाइनीज यूज किया जा रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव है. तो ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं, मतलब जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको प्रॉपर एडजेक्टिव बच्चों कहा जाता है. समझ में आ गई बात. अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, इससे रिलेटेड कई बार एरर्स जो है वो देखे गए हैं, एग्जाम के अंदर आते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि सॉ अ 6 फीट, नहीं उसने एक 6 फुट लंबा सांप देखा. अब इसमें गलती क्या है, तो गलती बच्चों बड़ी सिंपल है, यहाँ फीट नहीं आएगा, यहाँ पे फीट की जगह फुट आएगा. अब देखो फुट जो होता है वो सिंगुलर होता है, फुट का प्लूरल फीट होता है. अब बच्चों के माइंड में ये आता है कि सर यहाँ 6 आ रहा है, तो 6 का मतलब प्लूरल बनेगा, तो यहाँ फीट ही आना चाहिए, फुट क्यों आया. तो ये इसलिए आया क्योंकि देखो स्नेक यहाँ पे हमारा नाउन है, स्नेक हमारा यहाँ पे नाउन है, और इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये 6 फीट, है ना. तो यहाँ 6 फीट जो है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. और जब हम किसी भी नाउन को जैसे फुट एक नाउन की तरह यूज हो सकता है और एक यूनिट की तरह भी यूज हो सकता है, तो जब भी हम किसी नाउन या यूनिट को एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता. तो यहाँ 6 फीट नहीं आएगा, यहाँ 6 फुट आएगा. समझ में आ गई बात. ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और लिखा, देखे वो लिखा राम रिक्वायर्स 10 इंचेस पाइप्स. तो ये भी गलत है. क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 इंचेस जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, तो इंचेस नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, 10 इंच पाइप्स आएगा. समझ में आ गई मेरी बात. तो ये एक बेसिक मिस्टेक है जो कई बार देखी जाती है, एरर स्पॉटिंग के अंदर ऐसा आता है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, वहां बिल्कुल भी गलती करने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है. अच्छा अगली कैटेगरी पे आ जाते हैं दोस्तों. अगली कैटेगरी कौन सी होती है, अगली कैटेगरी बच्चों है आपकी पॉसेसिव एडजेक्टिव्स. पॉसेसिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो रिलेशन को शो करते हैं. पॉसेसिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो रिलेशन को शो करते हैं, जैसे कि माई, आर, योर, इज, हर, देयर, इट्स,
बच्चों ये सारे के सारे एडजेक्टिव जो है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं जो हमेशा रिलेशन को शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा ही इज माई ब्रदर, तो यहाँ पे ही इज माई ब्रदर में माई मेरा रिलेशन शो कर रहा है मेरे भाई के साथ। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे किसी भी एक पॉसेसिव एडजेक्टिव की और वहां पे हमें समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस बेसिस पे पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाऊं, तो वो सब्जेक्टिव बेसिस पे लगता है। जैसे ये तो मैंने कर लिया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई एम डूइंग डैश वर्क, ठीक। अब आपसे पूछा कि भाई लगेगा क्या यहाँ पे, बताओ यहाँ पे माई लगेगा या हिज लगेगा या आर लगेगा, क्या लगेगा? अब आपको समझ नहीं आ रहा, आप कह रहे हो सर आई एम डूइंग माई वर्क भी ठीक लग रहा है, आई एम डूइंग हिज वर्क भी ठीक लग रहा है, आई एम डूइंग आर वर्क भी ठीक लग रहा है। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि क्या लगेगा, तो सब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रोनाउन आ रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव लगेगा। जैसे आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई होगा, तो यहाँ पे माई लगना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही वी अगर सब्जेक्ट होता तो वी का आर हो जाता, यू सब्जेक्ट होता तो यू का योर हो जाता, ही होता तो यहाँ पे ही का हिज हो जाता। तो उसके हिसाब से लगना है, ये नहीं कि भाई तुम पढ़ के देखो और कहो कि सर पढ़ने में तो ये भी सही लग रहा है, पढ़ने में तो वो भी सही लग रहा है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अच्छा इसके बाद दोस्तों दूसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं, दैट इज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर बच्चों आपके चार एडजेक्टिव्स आते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में बच्चों आपके चार एडजेक्टिव्स आते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज और दोस, ठीक। अब इनको समझो, दिस और दैट ये दोनों के दोनों सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं, और दीज और दोज ये हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं। इसी जगह पे अगर मैं बात करता हूं दिस दीज इन दोनों की, तो ये दोनों के दोनों नियरनेस को शो करते हैं, मतलब कोई चीज पास में है उसको शो करते हैं। ऐसे ही दैट और दोज ये शो करते हैं कि कोई चीज दूर है, डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब कोई चीज दूर है। अगर आपको प्रेजेंट टाइम में इनको यूज करना है तो दिस और दीज यूज होते हैं, दिस सिंगुलर के लिए, दीज प्लूरल के लिए, और पास्ट में यूज करना है तो दैट और दोज यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई सॉ डैश बॉय whom I met yesterday। अब मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों दिस लगेगा, दैट लगेगा, दीज लगेगा या दोज लगेगा। सबसे पहली चीज देखो, यहां पे बॉय आ रहा है, बॉय क्या है, बॉय एक सिंगुलर नाउन है। अगर बॉय एक सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही एडजेक्टिव लगेगा, तो दैट और दीज और दोज तो प्लूरल है, तो दिस और दैट सिंगुलर है उसमें से लगेगा। अब यहाँ पे मैं पास्ट सेंटेंस की बात कर रहा हूं, मतलब उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिससे मैं कल मिला, है ना, जिससे मैं कल मिला। अब कल मिला मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे दिस नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा। समझ में आ गई बात? तो आई होप आप लोगों को यहां तक सारा का सारा क्लियर होगा बच्चों। अब इसके अलावा और आ जाते हैं आगे, इससे आगे और आ जाते हैं, इससे आगे और आएंगे, तो हमारा एक आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मतलब वो एडजेक्टिव जो किसी क्वांटिटी को दर्शाते हैं, जो किसी क्वांटिटी को दर्शाते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिखा मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, सम, एनी, ये सारे एडजेक्टिव्स। अब मैं इनको वर्बली बता देता हूं, तुम लिख लेना। यहाँ पे मैनी मच का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों जब हमारे पास किसी चीज की बहुत मात्रा होती है, फ्यू और लिटिल का इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास किसी चीज की थोड़ी मात्रा होती है, सम का इस्तेमाल कुछ के लिए किया जाता है हिंदी में, और एनी का इस्तेमाल भी कुछ के लिए किया जा सकता है। लेकिन बच्चों सम का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है और एनी का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, इनको लिख लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा मैंने, डू यू हैव डैश पेन, और मैंने आपसे बोला क्या आएगा भाई, यहाँ पे मैनी आएगा, एनी आएगा, मच आएगा, सम आएगा, क्या आएगा? तो यहाँ पे आंसर होगा एनी, क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव में एनी का इस्तेमाल होता है और मैनी प्लूरल नाउन के साथ लगता है, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, और पेन एक काउंटेबल नाउन है, और सम पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर लगता है। अब मैनी जो है बच्चों ये हमारा काउंटेबल नाउन, सी अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिनती में गिन सकते हैं, जैसे मैंने बोला एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर, तो आई हैव थ्री चेयर्स, तो चेयर एक अकाउंटेबल नाउन है, तो मैंने मैनी यूज किया, आई हैव मेनी चेयर्स, या मैं बोल सकता हूँ आई हैव मच चेयर्स, गलत हो जाएगा, क्योंकि मच का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिनको हम गिनती में गिन नहीं सकते। जैसे मैंने बोला आई हैव मच वाटर, आई हैव मच टाइम, तो बच्चों फ्यू और लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा। तो फ्यू का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि मेरे घर में थोड़े बच्चे हैं, आई हैव फ्यू चिल्ड्रन एट माई होम, और उसी जगह पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ आई हैव लिटिल, जैसे आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल। अब बच्चों को कंफ्यूजन कब होती है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है सर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में क्या डिफरेंस है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, एक बार इसे नोट कर लेना, इसे नोट कर लेना, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, देखो कोई चीज मेरे पास क्वांटिटी में थोड़ी है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव सेंस में उसकी बात करूंगा तो मैं फ्यू का इस्तेमाल करूंगा, अगर मैं पॉजिटिव सेंस में उसका इस्तेमाल करूंगा तो ऑफ यू का इस्तेमाल करूंगा,
और अगर मैं कंप्लीट सेंस में उसका इस्तेमाल करूंगा तो मैं द फ्यू को यूज करूंगा। जैसे मैंने बोला कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी मदद करते हैं, तो मैं मदद की बात कर रहा हूँ पॉजिटिव सेंस में, तो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु हेल्प मी। और मैंने बोला मेरे थोड़े ही दोस्त हैं और कोई मेरी मदद नहीं करता, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स एंड नो वन हेल्प्स मी। नो वन हेल्प्स मी मतलब मैं फ्यू नेगेटिव सेंस में बात कर रहा हूँ। नेगेटिव का मतलब यहाँ नॉट से नहीं है कि सेंटेंस में नॉट आएगा, मतलब सेंस नेगेटिव है। या जितने भी मेरे दोस्त हैं थोड़े, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव मतलब जितने भी हैं वो सारे के सारे और वो थोड़े हैं, तो द फ्यू आ गया क्योंकि वो कंप्लीट सेंस में है। और उसी तरह अनकाउंटेबल में लिटिल नेगेटिव के लिए हो गया, अ लिटिल पॉजिटिव के लिए हो गया, और द लिटिल कंप्लीट सेंस के लिए हो गया। आई होप दोस्तों आपको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अगले चीज पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एक और देखते हैं, दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब बच्चों जब नंबर की बात की जाती है तो इसमें तीन तरीके के एडजेक्टिव्स आपके आ जाते हैं। सबसे पहला एडजेक्टिव आपका आ जाता है, दैट इज कार्डिनल एडजेक्टिव। सबसे पहला आ जाता है आपका कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल के बाद दोस्तों दूसरा आ जाता है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और ऑर्डिनल के बाद दोस्तों तीसरा आप लोगों का आ जाता है मल्टीप्लीकेटिव एडजेक्टिव। कौन सा? मल्टीप्लीकेटिव एडजेक्टिव। जैसे अगर मैं कार्डिनल की बात करूं तो कार्डिनल में आपके कौन से एडजेक्टिव आते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारे न्यूमरल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। ऑर्डिनल में कौन से आ जाते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजिशन वाले। मल्टीप्लीकेटिव में कौन से आ जाते हैं? जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है। तो ये सारे के सारे आ गए। अब बच्चों इसमें देखो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि अगर कार्डिनल में 2, 3 आ रहा है तो उसके साथ प्लूरल नाउन आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ भी आ रहा है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है। सिंगल के साथ सिंगुलर आएगा, डबल के साथ प्लूरल नाउन आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो है इसका अरेंजमेंट। क्या पता होना चाहिए? इसका अरेंजमेंट। मान लो किसी सेंटेंस में तीनों के तीनों आ जाए तो हम क्या करेंगे, उस केस में आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, द थ्री फर्स्ट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे दो आ गए, एक न्यूमरल आ गया, सॉरी एक कार्डिनल आ गया और एक ऑर्डिनल आ गया, तो इसका सिक्वेंस क्या होगा? बच्चों सिक्वेंस होता है ये, सबसे पहले आता है आपका ऑर्डिनल, दूसरे नंबर पे आता है आपका कार्डिनल, फिर आता है मल्टीप्लीकेटिव, और उसके बाद जो नाउन यूज हुआ है वो आ जाता है, और इससे पहले हम द लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब पहले ऑर्डिनल आएगा और फिर कार्डिनल आएगा, तो ऑर्डिनल हमारा फर्स्ट है और कार्डिनल हमारा थ्री है, तो ये किस ऑर्डर में लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा द फर्स्ट थ्री स्टूडेंट्स। समझ में आ गई बात? तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो गया। और बच्चों इसके अलावा भी कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो ओपिनियन को शो करता है, या कोई एडजेक्टिव जो साइज को शो करता है, कोई एज को शो करता है, कोई शेप को शो करता है, बहुत सारे आप लोगों के एडजेक्टिव्स होते हैं। मेन एडजेक्टिव के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, वो बनता है आपका जो कंपैरेटिव बेसिस पे है और सुपरलेटिव बेसिस पे है, कि भाई सुपरलेटिव एडजेक्टिव दे देगा उसके साथ में द नहीं लगा हुआ है तो वहां पे द की गलती हो गई, कंपैरेटिव दे देगा तो वहां पे देन नहीं लगा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चंस है बनते हैं। आप लोगों को एडजेक्टिव की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एडजेक्टिव के फंक्शंस पता होने चाहिए, और जो मैंने कुछ कैटेगरीज आप लोगों को बताई हैं, इन कैटेगरीज के फंक्शंस पता होने चाहिए। अगर आपको ये सारी की सारी चीजें पता हैं तो आपकी एडजेक्टिव में एक भी गलती नहीं होगी। समझ में आ गई बात? तो आई होप दोस्तों जो भी बातें मैंने आपको आज बताई हैं एडजेक्टिव के अंदर, वो सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। TUET के लिए मेरा एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, अगर किसी भी बच्चे ने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो जितना जल्दी हो सकता है ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पे आप पर्सनली मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मैं आपको पूरा पूरा क्लियर कर दूंगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी बच्चा है वो ये चाहता है कि मुझे पूरा CUET का सिलेबस कंप्लीट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं आप लोगों का छोड़ूंगा। मैं सारा का सारा कराऊंगा, लाइव आप लोगों की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और इस चैनल पे मैटर नहीं करता कितने लोग इन वीडियोस को देखते हैं, मेरी कोशिश है कि मैं हर एक बच्चे की वहां पे हेल्प करूं। समझ में आ गई बात? तो मिलते हैं बच्चों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।